ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के फॉरेस्ट प्लेन और सवाना में पाया जाने वाला कंगारू एक बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत जानवर है। ये पृथ्वी पर उन गिने चुने जानवरों में से है जो अपने गर्भ के विकास को रोक सकते हैं। मादा कंगारू एक साथ 3 बच्चों को पाल सकती है, इसलिए इसको कभी कभी बच्चे पैदा करने की मशीन के तौर पर भी जाना जाता है। इनका एक इंटरेस्टिंग फीचर ये होता है कि ये दूसरे एनिमल्स की तरह बैकवर्ड नहीं चल सकते। इनके इसी फीचर के कारण ये ऑस्ट्रेलिया का प्राइड नेशनल एनिमल है, जो ऑस्ट्रेलियन लोगों को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर हम कंगारू की होपिंग स्पीड यानी कि कूदकर चलने की स्पीड की बात करें तो रेड कंगारू के केस में यह 20 से 25 किलोमीटर पर आवर होती है, परंतु ये किसी खतरे की आशंका के कारण बहुत जल्दी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी अटेन कर लेते हैं। इनमें इतना स्टेमिना होता है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 2 मिनट तक मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम इनके साइज की बात करें तो लार्जेस्ट कंगारू 6 फीट 7 इंच यानी कि 2 मीटर तक लंबा हो सकता है और उसका वेट 19 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि ये 3 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। यहाँ अगर हम सबसे छोटे कंगारू की बात करें तो वह होता है मस्की रेट कंगारू, जो सिर्फ 6 से 8 इंच लंबा और 340 ग्राम तक वेट का होता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ज्यादातर कंगारू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के फॉरेस्ट प्लेन और सवाना में पाए जाते हैं। कंगारू की पृथ्वी पर मुख्यतः 4 स्पीसीज हैं, रेड कंगारू, ईस्टर्न ग्रे कंगारू, वेस्टर्न ग्रे कंगारू, एंटीलोपाइन कंगारू। रिप्रोडक्शन ऑफ कंगारू। कंगारू के बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया बहुत ही पेचीदा होती है। मादा कंगारू अपनी मेटिंग के लिए उस मेल को चुनना पसंद करती है जो ज्यादा ताकतवर होता है और फीमेल को इम्प्रेस करने में सफल हो जाता है। ज्यादातर मेल कंगारुओं के बीच में फाइटिंग का यह एक मेन कारण होता है। मेटिंग के लगभग 33 दिनों बाद मादा कंगारू एक बेबी को जन्म देती है और इसका साइज लगभग एक मूंगफली के दाने जितना बड़ा यानी कि लगभग 1 इंच का होता है। उसका वेट होता है लगभग 2 ग्राम। इस छोटे से बेबी कंगारू को हम जोए के नाम से जानते हैं। जोए ब्लाइंड और हेयरलेस होता है और उसके बाकी के अंग भी बिल्कुल कम विकसित हुए होते हैं। मादा कंगारू में 2 गर्भाशय होते हैं। यह जोए लगभग 33 दिनों बाद गर्भ से निकलकर मादा कंगारू के सबसे खूबसूरत चीज पाउच में चला जाता है। जैसे ही जोए गर्भाशय से निकलता है तो मादा कंगारू का नेक्स्ट सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वह दोबारा गर्भधारण के लिए रेडी हो जाती है। जो जोए पाउच में आया है वह मादा कंगारू की 4 में से 1 निप्पल के अच्छी तरह चिपक जाता है और अपनी माँ के दूध से न्यूट्रिशन लेता रहता है। माँ के गर्भाशय से निकलकर निप्पल तक पहुँचने की प्रोसेस में सिर्फ 4 से 5 मिनट ही लगते हैं। अब अगर मादा कंगारू किसी मेल कंगारू से मेटिंग कर लेती है तो वह दोबारा गर्भवती हो जाती है, लेकिन वह अपने गर्भ के विकास को तब तक रोक लेती है जब तक उसके पाउच में पल रहा जोए मैच्योर नहीं हो जाता। लेकिन अगर किसी कारण से जोए की प्री मैच्योर डेथ हो जाती है तो मादा कंगारू ने जिस गर्भ को रोक कर रखा था वह उसको एक्टिव कर देती है और डेथ वाले जोए को न्यू वन से रिप्लेस कर देती है। लगभग 6 मंथ में यानी कि 190 दिनों बाद जोए पहली बार फीमेल कंगारू के पाउच से बाहर निकलता है। अब लगभग 2 महीनों तक वह पाउच के अंदर और बाहर आता जाता रहता है। अगर बाहर उसको किसी डर की आशंका होती है तो वह जल्दी से भागकर अपनी माँ के पाउच के अंदर घुस जाता है। जब वह जोए पाउच से बाहर निकलना शुरू कर देता है तो मादा कंगारू ने जिस गर्भ को रोक कर रखा था उसको वह वापिस एक्टिव कर देती है और न्यू जोए के पैदा होने के बाद फिर से गर्भवती हो जाती है। इस प्रकार वह एक साथ लगभग 3 बच्चों को पाल सकती है, जैसे एक वह जो अभी अभी गर्भवती होने के बाद उसके पेट में है और जिसके गर्भ को उसने रोक कर रखा हुआ है, दूसरा जोए जो उसकी निप्पल से अटैच है यानी कि जो न्यूली बोर्न जोए है, और तीसरा जो 7 से 8 मंथ का हो चुका है और जिसने पाउच से निकलना स्टार्ट कर दिया है। वह अब भी अपनी माँ की निप्पल से न्यूट्रिशन लेता रहता है। मादा कंगारू जनरली 2 प्रकार का दूध प्रोड्यूस कर सकती है। कम न्यूट्रिशन वाला दूध उस जोए के लिए जो उसकी निप्पल से अटैच है और ज्यादा न्यूट्रिशन वाला दूध उस जोए के लिए जिसने बाहर आना जाना स्टार्ट कर दिया, मींस जो 7 से 8 मंथ का हो चुका है। कुछ दिनों बाद बड़े वाला जोए इंडिपेंडेंट हो जाता है और वह मोब का हिस्सा बन जाता है। मोब एक कंगारू के ग्रुप को बोला जाता है। डाइट ऑफ कंगारू। कंगारू स्ट्रिक्टली शाकाहारी होते हैं। वो गाय की तरह पहले भोजन को पेट में ले जाते हैं और बाद में उसको जुगाली करके चबाते रहते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कंगारुओं के बारे में एक और अजीब बात ये है कि उनके स्टमक में गायों की तरह फूड प्रोसेसिंग के दौरान मीथेन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। यह एनवायरमेंट के नजरिए से भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। साइंटिस्ट इस चीज पे स्टडी कर रहे हैं कि जो बैक्टीरिया इस प्रोसेसिंग में भूमिका निभाते हैं उसको अदर एनिमल्स जैसे कि काऊ,
बफेलो में इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिससे कि एनवायरनमेंट के ऊपर होने वाले नेगेटिव इफेक्ट को कम किया जा सके। कंगारू ज्यादातर खेतों में मवेशियों की तरह चरते रहते हैं और इसी कारण ये ऑस्ट्रेलिया में हंटिंग का कारण बनते हैं, क्योंकि किसानों की लहलाती हुई फसलों को बर्बाद कर देते हैं। डिमांड ऑफ कंगारू मीट। कंगारू का मीट काफी सालों से ऑस्ट्रेलियन लोगों के भोजन का हिस्सा रहा है, क्योंकि कंगारू का मीट हाई इन प्रोटीन और लो इन फैट होते हैं और यह विटामिन और मिनरल्स का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। कंगारुओं की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में लगातार बढ़ती रहती है और कंगारुओं के मीट की मार्केट में मांग होने के कारण इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है, इससे फसलों को भी कम नुकसान पहुंचता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ लाइसेंस होल्डर और स्किल्ड हंटर ही इनका शिकार कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं के मीट को विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। कंगारुओं की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले नागरिकों से लगभग डबल है, इसलिए इनके मीट के लिए इनको मारना इनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई खतरा नहीं है। कंगारू टेल एक्ट लाइक ए थर्ड लेग। कंगारू अपनी पूंछ का प्रयोग खुद को बैलेंस करने और थर्ड लेग के रूप में भी करते हैं। जब वे आगे कूद कर चलते हैं तो वो अपनी पूंछ से ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जो उनको आगे बढ़ने में काफी मदद करता है। उनकी अकेली पूंछ में लगभग दो टांगों के बराबर ताकत होती है। वो फाइटिंग के दौरान इसको एक हथियार के तौर पर यूज करते हैं। वो फाइट करते हुए इसके ऊपर खड़े भी हो जाते हैं। उनकी इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग पूंछ के कारण ही ये बैकवर्ड नहीं चल सकते। जैसे इंसान लेफ्ट और राइट हैंडेड होते हैं, उसी प्रकार ये भी लेफ्ट हैंडेड होते हैं। जब उनका कोई प्रेडेटर उन पर हमला करता है तो पानी की तरफ भागना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे स्विमर भी हैं और अपनी पूंछ की सहायता से अच्छी स्विमिंग कर सकते हैं। कंगारू इंसानों के लिए ज्यादा खतरा नहीं है। कंगारू और इंसानों की मुठभेड़ बहुत कम देखने को मिलती है। अभी तक कंगारुओं के हमले से दो इंसानों की मौत हुई है, एक 1936 में और एक सितंबर 2022 में। लाइफ स्पैन ऑफ कंगारू। एक कंगारू के लाइफ स्पैन वाइल्ड एरिया में जनरली 6 से 8 साल होता है, लेकिन वही यह इंसानों की देखभाल यानी कि कैप्टिविटी में बढ़कर 20 साल तक होता है। यह स्पीसीज टू स्पीसीज भी वेरी करता है। जैसे रेड कंगारू का लाइफ स्पैन सिर्फ 2 से 5 साल होता है, वही रेड कंगारू का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। कंफ्लिक्ट विद व्हीकल। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंगारुओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि हर 10 एनिमल रोड एक्सीडेंट में से 9 बार कंगारुओं के साथ होता है। ज्यादातर कंगारुओं का व्हीकल से कोलिजन इवनिंग और रात को होता है, क्योंकि उस टाइम इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इन एक्सीडेंट को रोकने के लिए कंगारू एक्टिव एरिया में जगह जगह पर क्रॉसिंग के बोर्ड भी लगाए हैं, ताकि लोग व्हीकल की स्पीड को कम कर सकें और सेफली चल सकें। ये थी दोस्तों कंगारू के बारे में रोचक जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।